तो ये साइकिल जो है वो इतना खास है कि आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप दीवाना हो सकते हैं इस साइकिल का, क्योंकि इसके अंदर इतना सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं कि आपका भी बुद्धि जाम हो सकता है। क्योंकि गाइज इसके अंदर पूरे एक बाइक का सिस्टम डाला गया और साथ में गाइज और एक फंक्शन को डाला गया जो कि बाइक से दो कदम आगे भी जाती है। यह है हमारी साइकिल और इसको बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल। तो ये है इलेक्ट्रिक साइकिल किट जिसको हमने अमेजोन से मंगाए हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है कंट्रोलर और इसके साथ मिल जाते हैं मोटर। इसी तरह अदर किट भी मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस मोटर को इस साइकिल के अंदर अच्छे तरह से फिट करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले मोटर होल्डर को इस मोटर के अंदर अच्छे तरह से फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू भी मिले हैं तो इस स्क्रू की मदद से इस मोटर होल्डर को कस देते हैं। मोटर को मोटर होल्डर में कुछ इस तरह से कस दिए कि फिर बाद में हिलने डुलने का काम नहीं करेगा और इस तरह से मोटर को कस देते हैं साइकिल में। तो सबसे पहले चक्के को निकाला होगा क्योंकि इसका भी अभी रिपेयरिंग करना है। चक्का तो अच्छे तरह से फिट हो चुका है लेकिन अब करना है हमें मोटर को फिट। तो मोटर को फिट करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको पहले में तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मोटर को अच्छे तरह से बैठाएंगे। इस मोटर को बैठाने में हमको 8 घंटे का टाइम लग गया, बहुत ही समय लग गया इसको बैठाने में। तो गाइस तो अब क्या करते हैं कि इस वाले अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो इसके घंटी को हटाते हैं। इस साइकिल का ब्रेक भी निकालना होगा क्योंकि हमको ये ब्रेक भी मिला हुआ है। यहाँ पे इस तरह से इसको आसानी से लगा लेते हैं। अब चाहिए था बैटरी, तो बैटरी हमने 2 बैटरी लिए हैं क्योंकि ये 12 वोल्ट मिला के 24 वोल्ट हम लोग आउटपुट करेंगे इस बैटरियों से। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका कनेक्शन चेक करते हैं कि क्या वोल्ट ये सप्लाई कर रहा है। देख सकते हैं ये बैटरी 13 वोल्ट आउटपुट कर रही है और ये जो बैटरी है ये भी 12 वोल्ट सप्लाई कर रही है। तो हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या 24 वोल्ट आउटपुट करती है कि नहीं करती है। यहाँ पे ये ब्लैक और इस वाले रेड में इसको अटैच कर दिए। अब इसका कनेक्शन चेक करेंगे तो ये शायद हमें 24 वोल्ट आउटपुट कर सकती है, नहीं तो इस तरह 26 वोल्ट आउटपुट करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 वोल्ट आउटपुट कर रही है हम लोग की बैटरी। और हम लोग कनेक्शन करने के लिए हमने एक इसका बॉक्स बनाया है। ये है बॉक्स, इसको बनाने में लगभग 2 दिन लग गए हम लोग को, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाए थे इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं इसमें नट बोल्ट कस देंगे और उसके बाद गाइज आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे साइकिल पे बहुत सारे छेद कर दिए जिसपे से होल भी किए हैं और इस होल में नट बोल्ट कस देते हैं। तो इसका कनेक्शन करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ट्रिपल तार मतलब कि 3 वायर लेकर आएंगे इस वाले बॉक्स में जो कि मेन बॉक्स है जहाँ पे सभी प्रकार के कंट्रोल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें लॉक भी चाहिए क्योंकि हमें एक बाइक का पूरा सिस्टम इस साइकिल के अंदर देना है। तो यहाँ पे हर एक फंक्शन इस साइकिल के अंदर है जो कि आपको आगे दिखाएंगे। तो अभी ये लॉक है और उसके साथ एक हॉर्न भी हमें लगाना है क्योंकि अगर सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको कैसे हैंड देंगे कि भाई साहब हार जाइए गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मोटर के वायर को ऐड कर देते हैं और उसके बाद सभी कंट्रोलर के वायर को भी धीरे धीरे ऐड कर देते हैं। तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि सभी पिन के ऊपर लिखा गया है कि कौन सा वायर को किस पिन के अंदर डालना है, मतलब कि किस पिन को किस वाले पिन के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे सभी पिन के ऊपर सभी का नाम दर्ज है, तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। सभी पर आप पढ़कर उसके बाद आप सभी पिन को लगा सकते हैं आसानी से। तो आपको आगे दिखाते हैं कि इस मॉडिफिकेशन में क्या क्या करने वाले हैं इस साइकिल के साथ। तो हम लोग का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा नहीं अभी नादे हुआ है, अभी मोटर से लेकर सब कंट्रोलर दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप कैमरा में और उसके बाद यहाँ से की को ऑन करते हैं और उसके बाद हम लोग का जो मशीन है वो कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है और जो कंट्रोलर है इसमें करंट आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं इस लेटर को ऐडते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का सब चीज ओके हो चुका है। और सो गाइस तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और बाकी जितना भी मॉडिफिकेशन है वो पार्ट 2 में दिखाएंगे। ये वीडियो ज्यादा ही बड़ा हो रहा था तो इस वीडियो को इतना ही पे स्टॉप कर रहे हैं। तो पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आदर्श पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जय हिंद जय भारत।